हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी निकला है। इसमें आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको बताएंगे सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ को। यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि असिस्टेंट कमांडेंट पे असिस्टेंट कमांडेंट का GD और असिस्टेंट कमांडेंट पायलट का है और कमरिकल का है वैकेंसी है। तो इसमें आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कब से जो है चालू करना चाहिए, तो ये जो है 19 मई से लेकर 1 जून तक जो है आप फॉर्म भर सकते हो। और इसमें आपको ये जो है गजेटेड ऑफिसर की जो पोस्ट है और उसके बाद में ये सिर्फ ऑनलाइन पे भरना होता है, ऑफलाइन पे आप नहीं भर सकते हो। और जो है इसका जो जनरल ड्यूटी के लिए जो असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी और जो है जनरल ड्यूटी पायलट का जो है उनका डेट ऑफ मतलब क्वालिफिकेशन सेम है। जैसे कि आपको एग्रीगेट 60% होना चाहिए, जैसे कि आपका मतलब कोई भी मतलब आपकी ग्रेजुएशन में और 10+2 में भी आपको 60% होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथ्स आपकी जो है होना चाहिए 10+2 में। और यहाँ पे बात करते हैं कि जनरल ड्यूटी का जो असिस्टेंट कमांडेंट का जो है सिर्फ मेल ही भर सकता है, और 1 जुलाई 1994 से लेकर 30 जून 1998 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और उसके बाद में पायलट असिस्टेंट कमांडेंट सिर्फ मेल ही भर सकता है, 1 जुलाई 1994 से लेकर 30 जून 2000 के बीच में ही आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद में जो है बोथ जो है भर सकता है, ये जो है कमरिकल पायलट का जो है एंट्री CPL का जो है बोथ दोनों आदमी भर सकता है। कैंडिडेट्स होल्डिंग करेंट वैलिड कमरिकल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। और इसके बाद में जो है जो इश्यू किया वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और फिजिक्स एंड मैथ्स जो है होना चाहिए, और विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। इनकी जो है मेल और फीमेल दोनों भर सकता है, और जो है 1 जुलाई 1994 से लेकर 30 जून 2000 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और इसके बाद में एज रिलैक्सेशन जो भी है ये एज पर द, और उसके बाद में जो एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कुछ है आपकी, इसमें आपको देखने वाली बात है। और इसके बाद में जो है 19 मई से जो है शुरू है और 1 जून शाम 5 बजे तक जो है चलेगा। और इसके बाद में जो है इस ऑनलाइन का जो फीस है वो फीस कुछ नहीं है इसमें, तो ये अच्छी बात है। और उसके बाद में आपके एग्जामिनेशन जो है स्टेज 1 और जो है स्टेज 2 होगा, और उसके बाद में SSB इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद में फाइनल आपका जो है सिलेक्शन होगा। ये है आपकी सिलेक्शन डिटेल्स, और जो है आपकी हाइट चाहिए जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स की असिस्टेंट कमांडेंट का 157 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। और इसके बाद में जो है जो ट्राइबल एरियाज रहता है उसमें जो है थोड़ा कम होने से भी चलेगा, लेकिन इसमें जो है 157 सेंटीमीटर्स आपको ज़रूरी चाहिए। रिडक्शन इन हाइट फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम हिल एरिया, जो है हिल एरिया में आपको जो है यहाँ पे जो है हाइट नहीं दिया। असिस्टेंट कमांडेंट पायलट के लिए 162.5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, और इसके बाद में जो है आई सेट जो है 6x6 और 6x9 होना चाहिए, और जो है विदाउट ग्लासेस और पायलट के लिए भी 6x6 और 6x9 होना चाहिए। और टैटू होने से आपको जो है दिक्कत है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या क्या दिक्कत है। और उसके बाद में जो है इनकी बेसिक पे के बारे में बात करते हैं। बेसिक पे जो है 56,100 जो है बेसिक पे है इनका असिस्टेंट कमांडेंट का, और उसके बाद में जो है डिप्टी कमांडेंट का जो है 67,700 है। और आगे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इसका, क्या क्या जो है बेसिक्स मिलते हैं और जो है क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स में आपको छुट्टी वगैरह जो है बात करेंगे तो 45 डेज EL है और 8 डेज कैजुअल लीव है हर साल में, और LTC जो है भी मिलता है, और जो है यहाँ पे इंश्योरेंस भी है 75 लाख का, और जो है आपके पेंशन ग्रेजुएटी वगैरह भी मिलता है। ये सब जो है यहाँ के मिलने का लायक है। और इतना ही आपको बताना था, अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करो, और हम कोशिश करेंगे आपको हर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिर मिलते हैं एक और के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।